कर्नाटक में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों में उठापटक और गहमागहमी अभी भी जारी है। मतदान से पहले पार्टियों ने यहां पर अपनी चुनावी रैलियां तेज कर दी हैं। एक तरफ जहां तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के साथ समर्थन देने की घोषणा कर दी है, आगामी 10 मई को होने वाले चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का भी फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस को हर हाल में 150 सीटें जीतनी होंगी, नहीं तो बीजेपी हमें तोड़ देगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास स्थानीय कार्ड खेलने का विकल्प था, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं से आते हैं, उसी राज्य से हैं जहां पर चुनाव है। इससे पहले उन्होंने ये बात भी याद दिलाई कि इससे पहले गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्थानीय जुड़ाव का इस्तेमाल बखूबी किया था। खड़गे इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि मैं व्यक्तियों का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ने में कभी भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि चाटुकारिता की ओर ये कदम ले जाता है। आगे खड़गे कहते हैं कि जैसा कि अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति में भक्ति आए नायक, पूजा का अंततः तानाशाही में पतन होना है। मैं सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता हूं, ना कि व्यक्ति में। इसके साथ ही कुछ लोग इसे खड़गे बनाम मोदी के रूप में पेश करना भी चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। खड़गे कहते हैं कि मैं मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा हूं जिसका वो समर्थन करते हैं। ये चुनाव और अगले साल का संसदीय चुनाव विचारधाराओं का टकराव है, न कि व्यक्तियों का। कर्नाटक में कांग्रेस के चांस को लेकर खड़गे ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि वोटर सेंटिमेंट हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की बात लगातार कर रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सिविल ठेकेदारों ने पीएम को 40% कमीशन के बारे में भी पत्र लिखा था, इसके बाद भी मोदी और शाह भ्रष्टाचार के बारे में चुप रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर हमलावर रहे। कांग्रेस बहुमत के लिए तैयार है, लेकिन हम बड़े अंतर से जीतने की कोशिश करेंगे। ये बात जो खड़गे ने कही, ये लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 150 सीटें जीतनी होंगी, इससे कम कुछ भी नहीं, वरना ऑपरेशन लोटस का जो जोखिम है वो बढ़ जाएगा। भाजपा हमारी पार्टी को तोड़ देगी, जैसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया है। उनके पास पैसा है और पुलिस दोनों ही है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपके सहयोगी सीएम पद को लेकर आपस में उलझते नजर आते हैं, इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि मैंने हाल ही में कोलार रैली में इस बारे में स्पष्ट कर दिया था, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि इस पर कोई विवाद है, प्रदेश इकाई एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, हमने किसी को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है, सामूहिक नेतृत्व के साथ ही हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान इस लिहाज से भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसी बड़े चेहरे को लेकर बात उन्होंने इस कार्यक्रम में भी नहीं कही और सवाल पूछने पर भी नहीं कही। 2024 सदस्य कर्नाटक विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए होती हैं, और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को कर्नाटक में जीत के आसार फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी यह दावा किया था कि जिस तरीके से मैं यहाँ यात्राओं में घूमा हूँ और लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे मिली है, निश्चित तौर पर कर्नाटक में लोग कांग्रेस चाहते हैं, और सबसे ज्यादा समय उन्होंने यहीं बिताया था। इधर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से ही आते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि पार्टी स्थानीय कार्ड चलने के बजाय विचारधारा की लड़ाई के साथ मैदान में जाना चाहती है। आपको बता दें 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग है, मतगणना 23 मई को होगी। इसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सभी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार सहित कई वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी हुई है स्टार प्रचारकों की, उसमें दिखाई पड़ते हैं। यानी ये समझिए कि कांग्रेस पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस बार कर्नाटक में। शेट्टार हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से अपना पुराना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में आए हैं। एक मजबूत हाथ जो है इस बार कांग्रेस के साथ है, और कहा जा रहा है कि भाजपा को इससे खासा नुकसान हुआ है। ये तमाम जो घटनाक्रम पिछले दिनों चल रहा है उसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से इस तरीके के सवाल हुए थे, जहां उन्होंने ये बात कही कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ना कि व्यक्ति की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 150 सीटें जीतना हमारे लिए लक्ष्य है और हमें इस लक्ष्य को पाना होगा, अन्यथा भाजपा हमें तोड़ देगी और मध्य प्रदेश की तरह यहां पर भी सरकार बनाने की वो कोशिश करेगी। कांग्रेस जिस तरीके की चुनावी मैदान में उतर चुकी है, निश्चित तौर पर इस बार कर्नाटक का चुनाव वाकई में देशभर में चर्चा का विषय बनेगा। बहुत कम समय बचा हुआ है,
चुनावों के लिए और परिणामों के लिए, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम कर्नाटक में देखने मिल रहा है, वाकई इसमें कोई संदेह नहीं, ये चुनाव अपने आप में इतिहास बनेगा।